Hey, hi everyone, this is Furkan and you're watching our YouTube channel. So guys, right now मैं हीरा गोट्स पे तो माशाल्लाह आप देखते तो मोइन भाई क्या हो गया यार, काम कच्चा लग रहा है। कच्चा नहीं है भाई, बहुत सीमेंट देख लो आपने कितना अंदर भरा हुआ था, उसमें मतलब कोई तोड़ नहीं पाया यार। ये बकरे में इतनी जान है, मेरे को लगा काम में अपना है और सलिया ही निकाल दिया उसने। नीचे रखो ना, नीचे रख के खोलो ना। माशाल्लाह भाई, नहीं अरे घिस दिया पूरा, पकड़ो मोइन भाई, इसका झाड़ से पानी बोल बोल, पकड़ उसको, उसको पकड़, तोड़ दिया। अरे उखाड़ दिया, वो क्या उखाड़ा, बोल उसको बोल। वीडियो के चक्कर में अरे पूरा पानी के सत्यानाश करे। बांध दो भाई उसको, अच्छी जगह पे बांध दो। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह आप देख सकते हो, बोर बहुत देखे रहेंगे लेकिन इतने ताकत वाले बोर मैंने फर्स्ट टाइम देखो। ये बकरे ने पूरा उखाड़ दिया, क्या झाड़ पे बांध, झाड़ तोड़ देगा, बड़े वाले झाड़ पे बांध दो। हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस राइट नाउ आप पीछे सीनरी देख के समझ गए रहेंगे कहाँ हूँ मैं। हीरा गोट्स में हूँ, मालसे घाट मुरबाट के आगे, कल्याण से ऑलमोस्ट 30-60 किलोमीटर कुछ है आइडिया भाई बता देंगे। मेरे घर से 90 किलोमीटर है थाने से। तो मोइन भाई सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई, ये वीडियो में क्या दिखाने वाले लोगों को? ये वीडियो में मेरा बोर कलेक्शन आपको दिखाऊंगा, मेरे पास सेल करना है। नहीं नहीं, ये भी सब पलाई के बच्चे हैं। क्या बात कर रहा है, माशाल्लाह क्वालिटी क्या है यार। मैं पूछ नहीं सकता भाई ओरिजिनल है या दोगला है, इतना मतलब बोलते ना एक मेरे लिए गलत हो जाएगा। आप देख सकते भाई भी देख रहे रहेंगे, वो कुछ देख के बता सकते हैं। ये मेरे सब अदन बच्चे, ये सब 6 महीने के बच्चे हैं। दे दिए, क्या हाइट है यार, बहुत अच्छी नायाब क्वालिटी है। देखो ना बच्चा मार रहा है इतने बड़े को, बकरे को डेयरिंग बाकी है सब जुगोदा की डेयरिंग है। और ये क्या, ये हादसा क्या हो गया? ये हादसा अभी फुरकान भाई के सामने हो चुका है, जो कि हमारा काई ने कर चुका है, जिसके लिए उसको हम लोग थोड़ा दूर बांध चुके हैं। सही में काम दोगला था क्या, उसमें ताकत ज्यादा? नहीं अभी आप देख सकते हो क्या, ये सीमेंट कितना भरा हुआ है अंदर, कोई मतलब कोटा बीटा नहीं तोड़ पाया है इसने। नहीं अभी तक तो फिलहाल तो ऐसा कोई बकरे ने तोड़ा नहीं था। हाँ। ये यही एक है जो मेरा तीसरा कोटा तोड़ चुका है। क्या बात कर रहे हो, माशाल्लाह। ये बकरे के बारे में बताओ यार मोइन भाई। ये अल्फा है, ये भी हमारे भाई का पलाई पे है हमारे पास। पलाई पे जी, ये पलाई पे है हमारे पास। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 दांत कम्प्लीट कर चुका है। सब प्योर बोलेंगे क्या है मतलब, अब देखा जाए तो इसको आप प्योर ही बोल सकते हो, पूरा प्योर ही है ये। सब अच्छा है मतलब, लटक चमड़ी गला पट्टी ए टू जेड, उसकी सिंग भी देखिए कैसी है, देखिए बफ है, बफ भी है उसको। वो बोलते ना अपन साउथ अफ्रीका से जो वीडियो फोटो मंगाते हैं वो सेम बकरा दिख रहा है। देख लीजिए ये दोनों जो मेरे है ना, ये दोनों सब मोस्टली मेरे पास जितने भी है ना, ये सब ब्रीडर्स ही है मेरे। ब्रीडर मतलब अपने को इसके बच्चे देखने मिलेंगे? अभी फिलहाल मैंने लोड कराया हूँ, मैं आपको मेरा कालाहारी जो उधर पे खड़ा है हाँ। उसका बच्चा दिखा सकता हूँ जो कि मेरी उम्र है। ये बच्चे अपने इधर के क्या बाहर से मंगा के दिए थे? ये हमारे एक भाई है तौसीफ भाई बोल के, उन्होंने लिए थे। ये कहाँ से, बाहर से लिए थे कि आपके पास से लिए? नहीं हमारे पास से नहीं, ये बाहर से तौसीफ भाई ने लिया। ऐसा कुछ बच्चा बताओ आपसे लिया और आपके पास तैयार हो गया? अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है मेरे पास, मेरा है अभी जो मेरे यहाँ पे जो निकले हैं बच्चे जो है, मेरा ब्रीडिंग सर्टिफिकेट है ना हाँ हाँ, उसमें जो है अभी वो तैयार होएगी। अच्छा, और ये बकरे के बारे में माशाल्लाह, मैं इसमें इतनी दाढ़ी वगैरह कहाँ काट दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर दाढ़ी काटे नहीं है, फिर वैसी है वो बकरा, बहुत नायाब। लेकिन उसमें यार वो गला जो नीचे की दाढ़ी लेके आने चाहिए तो कुछ लाया ही नहीं उसने, क्यों ऐसा? और क्वालिटी में क्या बोलो अभी, वो समझ में नहीं आता है, दिख रहा ओरिजिनल है लेकिन उसके सिंग से देखा जाए तो फिर अलग दिखता है, थोड़ा उसकी सिंग घूम गई है वो और पतली है, अच्छी क्वालिटी में। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि एकदम नहीं, अगर वो कालाहारी देखा जाएगा तो फिर ये आदमी भूल जाएगा, ये बोलेगा नहीं क्वालिटी का। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड जो है मेरे, इसका नाम अल्फा है। अच्छा, और इसका नाम जुल्फिकार है, अलग ही कलेक्शन। गले बहुत बड़े बड़े है, मोइन भाई हाँ। गला बहुत बड़ा है बकरों का, सब बकरों के गले बहुत बड़े, कुछ करते हैं गले के लिए मालिश? नहीं, नहीं, अच्छा मालिश होती है हाँ। सिंग पे तेल लगता है, मालिश भी होती है सब हाँ। पर टाइम टू टाइम हर चीज। मेरे को लगता है फीड आपकी है ना भाई, कुछ राज है उसमें अच्छा, जिसके बकरे के गला बन रहा है, बकरा तैयार दिख रहा है, भले वो वेट में सही इतना रहना चाहिए, फिट रहने के हिसाब से उतना है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि एकदम ओवर वेट करके हम लोग ये ना बिठा देते हैं, पर सब बकरे हमारे इधर पे जो है ना जो फिट है
और एकदम एक्टिव है, अगर आप देख सकते हो, एक तो आपने देख चुके हैं क्या मौसम है यार मोइन भाई, कसम से बोल रहा हूँ, यहाँ का क्लाइमेट ही अलग है। मैं बोलता यार तो जुबेर भाई को बोल के एक रूम बना लो, पब्लिक आके एक बार एक दिन रहेगी ना 100% बोलता, एक बकरा तो फिर आपके पास से ले ही लेगी। जी जी, ये बकरा इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ऐसा भी करेंगे हम लोग। एक आवाज नहीं है, एक आवाज एकदम साइलेंट जोन है, अगर आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे, ना कोई गाड़ी की चेप है, कुछ भी नहीं है, ऐसा खाली ग्रीनरीज आपको ये मिलेगी। अभी तो माशाल्लाह ये बारिश स्टार्ट हुई है, आगे जाके तो आप देखना यहाँ पे और ज्यादा ग्रीनरी हो जाए। ये बकरा देना है? नहीं, ये सब पलाई के बकरे, ये पलाई के बकरे, तो सब सामने वाले को मालूम है कि नहीं पाओ इसको थोड़ा ये? जी जी, सब सब हर चीज अपडेट होती है, सब तकलीफ नहीं है कुछ, नहीं तकलीफ नहीं, लेकिन इसके वजह से ना अभी इसका वेट हम लोग ने थोड़ा कम करे। इसकी ब्रीड लिया आपने? इसके अभी ट्राई करे है हम लोग। अच्छा, तो क्लाइंट बोलते लेने के लिए क्या आप खुद से मतलब? नहीं नहीं, क्लाइंट से अपडेट हो, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स है ना, जैसे हमारे भाई है जिसका ये बकरा है, उनकी बकरियाँ भी है। अच्छा 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 अच्छा, मैं क्यों मालूम है, अगर कोई सानेन लेता है और उसको इरादा नहीं है भाई ब्रीड करने का और गैर हाजिरी में कुछ ये हो जाता है तो कैसा? नहीं लेंगे, जिसकी जो चीज है उनसे परमिशन बिना लिए हम लोग कुछ करते नहीं। अच्छा, अगर किसी भाई को ऐसा ये डाउट रहता है ना भाई, बकरी नहीं, कभी ऐसा ब्रीड करवा सकते, झूठे ये मतलब करके फायदा ही नहीं, करके फायदा ही नहीं, जो हक का है हम वो करते हैं। सही बात है, जो हमारे और उससे क्या, उससे भारी भारी बकरी भी आपके पास, आपको अगर करना रहता जी जी तो आप खुद खरीद के कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं है। पर किसी की अमानत जो हमारे पास है उनके साथ हम लोग गलत नहीं करना चाहिए। सही बात है, जो है आप सीधा जो है सामने, हाँ, जो भी है हम सामने सामने, आपके पास हाँ। तो सानेन की भी क्वालिटी A1 है, बोर की भी है। जी जी जी, कोई इम्पोर्टेड तो लाके आपके पास पालेगा नहीं, खुद ही पालेगा। जी जी जी, तो ये बकरी की जो भी है सामने, जैसा मेरा बकरियां का भी जो सेटअप है ना मेरा, आपको मैं बकरी क्यों मालूम है, पलाई के लिए ना लोग ना डरते है कि भाई मेरे बकरी की ब्रीड ना ले, ऐसा ऐसा ये नहीं है। जब अगर हमारे जो क्लाइंट है अगर उन्होंने कह दिया है तो ही होगा, नहीं तो ऐसा ये नहीं। मेरे गैर हाजिरी में भी मेरे बंदे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे बसम, ये मेरा ब्रीडर है काई, काई का रिजल्ट है, इसका नाम काई है, काई ग्रीनी वाला काई है। आ, बकरा है माशाल्लाह यार, ये अभी 75 पे है। हाँ, और 6 रात से ये लोग को वजन समझता ही नहीं है, तुम्हारे को समझता है, छोटे आइट में मेरे को वजन नहीं समझता है इसका क्या, क्योंकि मेरे पास कैसा रहता है कि हर महीने का रिकॉर्ड रहता है ना। अच्छा, मेरे पास, क्योंकि मैं वो मेंटेन रखता हूँ कि हर महीने में कौन प्लस में है कौन माइनस में है। अच्छा, अगर कोई माइनस में तो उस पर हम लोग क्या वर्कआउट कर सकते हैं जिसको उसको नॉर्मल वापस से लेकर आए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कि हर बकरे सब प्लस में ही है, प्लस माइनस होता ही रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्मी के अंदर प्लस माइनस होता है, कोई कोई बकरे है जिसका माइनस भी हुआ है तो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। पे हमेशा प्लस ही होता है तो समझ जाने का डामाडोल है कुछ नहीं, प्लस माइनस चलता है। दूसरे फार्म की तो हम लोग बात नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपना ये करते हैं। सही बात है, मेरे को हीराकोट जिसके लिए पसंद है भाई अतरंगी बकरे, और मैं अतरंगी बकरे का शौकीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसा है, एक बकरा अतरंगी रहना चाहिए। देखो सेम तो सब हमारे बॉम्बे में भी देते हैं, तो यहाँ पे आने का कुछ तो रीजन चाहिए। तो ये बकरे के बारे में मोइन भाई कुछ ज्यादा डिटेल में बताइए, कैसा है क्या है। 75 kg पे है मेरा, और यहाँ पे मेरा ब्रीडर है ये यहाँ पे। अच्छा, और 6 दांत पे है। अच्छा, सेल नहीं करोगे? नहीं नहीं, ये मेरे भाई का ही है बकरा, ये पलाई पे मेरे तो पास। बोर में क्या देखा जाता है, कान देखे जाते हैं, सींग देखे जाते हैं, कैसा रहता है? देखो अभी आपके सामने मैंने 3 बोर दिखा दियो। हाँ, तीनों बोर के अंदर ऐसा आप बोल नहीं सकते कि सब एक ही है। अलग 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 है। अभी ये कालारी, इसका कालारी कहते हैं। ये पूरा आपको ऐसी लाल में मिलेगा, इसका जो बच्चा भी निकला है ना वो पूरा लाल ही निकला है। इसके अंदर आपको बहुत रेयर रहते है जो, जिसमें आपको व्हाइट पैच आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो मोस्टली बकरा बहुत गर्म है मेरा, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्म मारता है। मारता नहीं है पर खेलता बहुत है, झाड़ का उसने हालत ही कर दी है। हाँ, खेलता बहुत। ये देख लो कैसा, पहला बोर देखा भाई ऐसा अतरंगी चले गए। बोर एक्चुअली बहुत मोहब्बती होते। जी जी जी, माशाल्लाह। तो मोइन भाई तकरीबन इनके बच्चे कितने रेंज में बिकते? देखो ये अभी देखा जाए ना, ये क्वालिटी का अगर बच्चा आप देखोगे ना, समझो ना अगर 3 महीने का बच्चा लेने जाते हो तो नहीं नहीं तो भी आपको 18 से 25 के बीच में आता है। 18 से 25 वैसा नहीं ना, 2000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो नहीं, वो तो अभी जैसे वो अलग अलग जगह पे है जो किलो के हिसाब से, जैसे अभी निमकर हो गया, वो सब जो टॉप लाइन के है उनके उधर पे खाली उसमें ही काम करते, वो उसमें ही काम करते। अपना तो वैसा नहीं है कि किलो के हिसाब से अपन नहीं ये करते कुछ भी, बाकी जो है अपना जो नाक पे अपन ये करते। अच्छा, बाकी सारे बकरे से अलग रहता है इनका बच्चा वजन में, क्वालिटी में? हाँ, थोड़ा आप देखा बोर की अंदर से ही वो बनावट ही वैसी रहती है, अगर आप देखोगे तो बच्चे थिक बोन्स में रहते हैं। अच्छा, और बीमार पड़ते ही बकरे तो माशाल्लाह? नहीं नहीं, क्योंकि कैसे मेंढा पालो और बकरा पालो तो मेंढा नहीं जल्दी बीमार पड़ता, वैसा
अगर मेंढे के कंपेयर के अंदर है ना, मेंढे के कंपेयर में बकरे थोड़े ऐसे इम्यून लोग का ये रहे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेंटेन बराबर रखोगे तो कुछ ऐसा ये होता नहीं। ये अपने घर का बच्चा है? नहीं नहीं, ये हमारे तौसीफ भाई का ही है। ऐसा क्या उसको प्रॉब्लम है? नहीं, इसको यहाँ पे थोड़ी गांठ आ गई थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, तो गांठ उसकी कम हो गई है वो साइड पे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बकरा बहुत गर्म है वो हिसाब से थोड़ा उसने वेट तोड़ दिया। बनेगा ना ये, बनेगा। इसका इसका जो दूसरा जोड़ी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह भाई, बकरे देखो खुश, इतने खुश है भाई, जमीन पर लोअर है या ऐसा मिलता नहीं है जल्दी लोग बहुत है बकरे लोग को। माशाल्लाह, ये अभी इसका भाई एक आएगा देख लो, माशाल्लाह बहुत भारी दिखता है। सिंह पकड़ के लेके, सिंह पकड़ अरे छोड़ दो उसको, लेट के एकदम उसको वही चाहिए। माशाल्लाह, लेकिन यार मोइन भाई वो लाल और ये लाल में फर्क है यार? इसमें अपना जो आपका जो बड़ा वाला लाल है, हाँ, और इसमें इसमें फर्क है? अभी ये छोटा है ना वो हिसाब से, अभी वो उसके उधर तक जाए थे क्या ना जाएगा, हालांकि ये भी अच्छी उसके फर अच्छे ज्यादा इसमें ज्यादा ये है। ये अपने इधर के नहीं है ना? नहीं, ये हमारे वही तौसीफ भाई के ही है सब। अच्छा, सब तौसीफ भाई के, ये दो तीन चार ये तौसीफ भाई बोलूंगा ना भाई, बहुत शौक किए ना भाई, लिमिटेड किए, बाकी फार्म के ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गर्दी किए, बहुत कम बकरे रखे। मैं ऐसा देखा ना फार्म तो गिन चुन के बकरे आपके पास, लेकिन बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी रखे हो। जितना जैसा रहता है ना, जैसा कैसा है कि जितना अपने से हो सकता है अपन, तो क्या हर बकरे पे ना इंडिविजुअल अपन फिर अच्छे से ध्यान दे सकते। सही बात है, है ना। अभी कैसा क्या अगर एक्सट्रीम ले ले, मैन पावर कम रहेगा और अपन फिर एक्सट्रीम लेने के बाद अपन वो उतना मैनेज नहीं कर पाएंगे तो अलग ये हो जाता है ना फिर। वो क्या अपने क्लाइंट लोग है, अभी कैसे जो भी क्लाइंट है हमारे ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए भाई के जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, और काफी पुराने रहेंगे ना? है माशाल्लाह, तालुका बहुत पुराना है। जैसा क्या है, अभी जितने भी मेरे क्लाइंट्स है, जितने भी है ना, वो हमारे से डे वन से आप बोल सकते हो जुड़े हुए। क्या बात कर रहे हो, डे वन से। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के और भी लोग आपसे काफी, मैं बोलता हूँ ना अतरंगी बकरे दो यहाँ पे, वो वेट गेनिंग इसका मत दो, यहाँ पे क्वालिटी वाले बकरे देना तो मजा आ जाएगा। ये है कि हमें ना ऐसा है कि ना हर एक इंडिविजुअल बकरे के पीछे है ना, ऐसा नहीं है कि अब खाली खाना ही सब कुछ होता है। सही बात है, हर चीज का हम लोग है ना ए टू जेड, उसका पूरा ए टू जेड अप टू डेट रखते हैं। अच्छा, ये बोर बकरे ज्यादा खाते हैं बाकी बकरे के हिसाब से देखा जाए तो? रहता है खुराक बोर की थोड़ी ज्यादा ही रहती है मेंढे के। मेंढा अभी मेरे पास एक मेंढा है, मैं आपको बताऊं तो उसका ऐसा है कि जितना दो सब खा लेते हैं, जितना भी उसको ऐसा है ना वो मतलब पूरा पहला ही वसूल कर रहा है तुम्हारी। वो ऐसा है, चलो ठीक है ना भाई, कुछ भी है भाई अपना। मेरा एक ही ये है क्या भाई, जिधर पे भी मेरे भाई लोग के बकरे है या मेरे क्लाइंट्स के बकरे है ना, मैं उन लोग का ऐसा नहीं समझता कि ये मेरे क्लाइंट के बकरे, कुछ के बकरे समझ के करें। अभी निकालते वक्त भी देखा मैंने, मेरा रहता ही है इसके अंदर इंडिविजुअल। मैं जाता हूँ भले से मेरे स्टाफ लोग अप टू डेट सब चीज रखते हैं, पर मेरा ऐसा है कि जब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ईच एंड एवरी बकरे के ऊपर में तो इसका पलाई 2000 रहेंगे, उसकी 3000 रहेंगे ना वेट के हिसाब से। जैसा मैं आपको बताया ना, जैसा कि जो मैक्सिमम 3000 है ना, हाँ मैक्सिमम 3000 है मेरे पास, जो 50 के अंदर जैसे है ना उन लोग के 2000 रुपए। अच्छा अच्छा, और 50 to 75-80 के करीब रहेगा, 75 तक रहेगी वो 2500 रुपए रहेगी, और ऊपर जो रहेगा वो 3000 रुपए। अच्छा, तो जिस किसी भाई को ये पलाई समझ में आती है तो पर्सनल विजिट करना, देखना इनका कैसा सेटअप है, बाद में दे देना, कोई मसला नहीं है कि वीडियो में आके यहाँ पे देख सकते हो क्या है क्या नहीं, कैसा फिर आप डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि आपको आना ही है यहाँ पे, आके आप देखो, भले से आके मिलो। मैं इतना बोलूंगा, अगर अतरंगी बकरे के शौकीन हो आप तो डेफिनेटली आओगे, इतना कोई ये नहीं है, धूर नहीं है, एक दिन का लेके आप बकरे भी लेके जाओगे। और यहाँ पे जैसा कि ऑन द वे भी आते हो तो हैपनिंग ही होगी आने में, क्योंकि माशाल्लाह जैसा फुरकान भाई भी आए हैं तो फुरकान भाई ने खुद मुझे सामने से बताया कि कैसा उनको ये हुआ। अच्छा, पर अच्छा है यहाँ पे, एकदम साइलेंट जोन है, ग्रीनरी बेस है ना, कुछ डिस्टरबेंस कुछ डिजिटल दुनिया ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे जो है वर्चुअल है, सिर्फ यहाँ पे जियो चलता है। चलेगा मोइन भाई, अपन ये वीडियो यही एंड कर देते जी फुरकान भाई, माशाल्लाह बोर की क्या ही बात करूँ मैं, वाह। चलेगा फ्रेंड, तब तक के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बकरा किंगडम को, बाजू के दिए बेल आइकन को भी दबाए ताकि मैं जो भी नई वीडियोस डाले आपको पहली मिल सके। प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू।